गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हमने लास्ट दिन में क्या पढ़ा था, इस चैप्टर का दो पेज। इसकी समरी मैं एक बार बता दूं। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है मुनिया। उसके पिताजी जब राज दरबार से आते हैं तो उससे वो कहती है कि मुझे कहानी सुनाइए। तो उसके पिताजी उसे छत पे ले जाते हैं और रोज वो कहानी लेकिन माँ से सुनती है, लेकिन आज पिताजी से सुनना चाहती है, ठीक है। फिर वो छत पे ले जाते हैं और पूछते हैं कौन सी कहानी सुनना है तुम्हें, परियों की, राजा की, किसी और चीज की, ये वो। तो उसने कहा मुझे राजा की कहानी सुननी है, क्योंकि वो रोज राज दरबार जाते हैं तो उसे राजा की कहानी सुननी है। आपके पास तो बहुत सारी होगी। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल है, मैं बोलता हूँ। फिर वे उसे बताते हैं कि बहुत साल पुराना बात है, बहुत पुरानी बात है, ठीक। एक गुरु और उसके साथ कुछ चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। एक गुरु था, उसके साथ कुछ चेले उसके साथ तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वे थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। जब वो लोग थक गए तो नगर में क्या करने के लिए रुके, विश्राम करने के लिए। सभी को भूख भी बहुत लगी थी, ठीक है, सबको भूख बहुत लगी थी। तो जब गुरु ने चेले को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा, बाकी चेले खाना बनाने की तैयारी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कोई लकड़ी बीन कर लाया तो किसी ने ईंटे का चूल्हा बना के तैयार किया। अब सभी सामान आने का इंतजार कर रहे थे जिससे कि वे खाना पका सके। थोड़ी देर में एक चेला आता है, भागते भागते एकदम हैरानी से, सब लोग हैरान, कोई नहीं है, सब सुनसान, सब बंद है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे अभी। तो सब लोग बोले, बड़े आश्चर्यचकित हुए और फिर चौंक गए कि गली कुली बाजार सब बंद है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। फिर अचानक से एक आदमी दिखाई पड़ता है। तो वहां से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों। तो क्या बोलता है, यहाँ लोग दिन में सोते हैं, रात में काम करते हैं, ठीक। गुरुजी ने कुछ सोचा, बोला कि यहाँ नहीं रुकना है एक क्षण, अभी के अभी यहीं चले, यहाँ सब उल्टा बुलटा है। लेकिन सब लोग ने बोला कि हम लोग बहुत थके हुए हैं, आज ही कैसे चले जाए, चलो एक दिन रुक जाते हैं, उसके बाद सारे चले इतने ज्यादा थके थे हिल नहीं सकते, इसलिए आखिर में ये तय हुआ कि भोर होते ही वो लोग वहां से निकल जाएंगे। रात होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई। जैसे ही रात हुई चहल पहल शुरू हो गई। गुरु के साथ चेले भी नगर घूमने निकल पड़े। रात होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई। ठीक है, वे सभी देखकर बहुत हैरान थे कि सभी कुछ यहाँ पे एक टके में मिलता था, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, मिठाई हो, खाने की चीज हो, एक टके में। चाहे रबड़ी लो, चाहे बादाम, सभी माल एक टके में। चांदी का कगन भी एक टके में, तो पूरी भाजी भी एक टके में, है ना कमाल की चीज, सब कुछ एक टके में, ठीक। फिर उसके बाद टर्न द पेज, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था कल्लू। कल्लू ये सब देखकर खुशी से फूला ना समाया और बोला, गुरुजी अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हम सब यहीं रह जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं रह जाते हैं, बस हम सब यहीं रह जाते हैं। तपस्या का फल तो हमें मिल ही गया है, तपस्या करने से हमें फल मिल गया है। वाह भाई क्या बात है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। पर गुरु समझ गए और बोले, नहीं बेटा ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा चौपट है, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये एकदम गलत नगर है, यहाँ का राजा भी दिमाग से सही नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो यहाँ से। लेकिन कल्लू जिद पर ही अड़ा रहा। गुरुजी भी जानते थे कल्लू पर कोई विपत्ति आ सकती थी, वो जिद पे अड़ा रहा कि वो नहीं जाएगा। और गुरुजी भी जानते थे कि ऐसा करने से उस पर कोई आफत आ सकती थी। सो सभी बाकी चेलों को आगे भेजकर स्वयं वही रुके। वे क्या किए, सभी को आगे भेजकर वही रुक गए। अब तो कल्लू दिन भर खा खा कर मोटा होता गया और दिन रात सब एक टके में खाते खाते मोटा हो गया। इन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। नगर के राजा ने क्या किया, एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। फांसी का दिन भी आ गया, पर तभी जल्लाद ने देखा फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन पतली है। फांसी का फंदा भी तैयार होके आ गया, लेकिन तभी जल्लाद ने क्या किया, जो फांसी देता है उसने क्या देखा कि फंदा उसका बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन है पतली। राजा चिंतित हो उठा।
राजा को चिंता हो गई, फांसी तो आज ही देनी है, अब तो फांसी आज ही दे, अब क्या हो। राजा ने आदेश दिया वो नगर की परंपरा नहीं तोड़ सकते, कि जिस दिन जो कह दिया वही करना होगा। अंत में अतः फांसी के अनुसार जिस व्यक्ति की गर्दन ठीक बैठे उसे पकड़ के लाओ। जब फांसी का फंदे के अनुसार जिस व्यक्ति का गर्दन ठीक बैठे, एकदम परफेक्ट बैठे, उसको पकड़ के लाओ। देखते ही देखते राजा के सैनिक गली गली में फैल गए और एक मोटे आदमी की तलाश करने लगे। इधर उधर सब लोग चले गए और सारे सिपाही लोग क्या तलाश करने लगे, एक मोटे आदमी की। ढूंढते ढूंढते संयोग से चेला सामने आ गया, बस सैनिक उसे पकड़ के ले आए। और ढूंढते ढूंढते क्या था, ये मोटा हो गया था ना चेला, ये सामने आया, इसको सैनिक लोगों ने पकड़ा और लेके चले आए। चेला राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, वो तो राजा के सामने एकदम प्लीज प्लीज करने लगा, हुजूर मुझे छोड़ दे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मतलब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं किया। पर उसकी एक ना चली, लेकिन उसकी एक भी ना चली। गुरु जी को खबर मिली तो वे दौड़े दौड़े आए। जब गुरु जी को ये खबर मिली तो वो दौड़ दौड़ के आए। गुरु ने सैनिकों से कहा, छोड़ दो इसे, यदि तुम इससे पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तो छोड़ दो। अगर इससे पहले तुम मुझे फांसी पे चढ़ाओगे, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद सैनिक गुरु की बात सुनकर हैरान हो गए। सैनिक लोग सभी गुरु की बात सुनकर हैरान हो गए। गुरु ने उसे बताया कि एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है। गुरु ने उन्हें क्या बताया, कि एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि इस मुहूर्त पे फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नगर का राजा बनेगा और उसके बाद मरने वाला मंत्री। मतलब पहला जो चढ़ेगा वो नेक्स्ट अगले जन्म में क्या होगा, राजा बनेगा, उसके बाद जो चढ़ेगा वो मंत्री। बस यही कुछ क्षण भर का हुआ, सैनिकों में हड़बड़ी मच गई। अब तो सब में हड़बड़ी मच गई, सभी के मन में राजा बनने की इच्छा कुल बुलाने लगी। गुरु जी को हटाकर सब आगे आने लगे। शोरगुल और धक्का मुक्की होने लगी, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। उड़ती उड़ती खबर राजा तक भी पहुंची। जब पहुंची तो राजा के मन ही मन में सोचा कि वह भी क्यों ना फांसी पे चढ़ जाए। ठीक, राजा ने कड़क कर कहा, यदि इस मुहूर्त में ऐसा ही होना है तो सबसे पहले ये अधिकार राजा का है, फिर किसी और का। ठीक है, अगर यही होना है तो सबसे पहले अधिकार किसका है, राजा का, वो चढ़ेगा, उसके बाद जो कोई चढ़े। गुरु चेला फांसी पर चढ़ने के लिए जिद करते रहे, पर उनकी एक ना सुनी गई। पहले राजा फांसी पर चढ़ा, फिर उसके दरबारी। कुछ ही पल बाद गुरु के ने ऐलान किया, अब शुभ मुहूर्त बीत गया है। गुरु ने क्या ऐलान किया, शुभ मुहूर्त बीत गया है। गुरु का ऐलान सुनते ही सिलसिला समाप्त हो गया। जैसे ही उसने ऐलान किया सब लोग चुप हो गए, सामने एकदम रोक दिया। मौका देखते ही गुरु जी अपने चेले के ओ नगर से निकाल कर बाहर ले गए और बोले, देख लिया अंधेर नगरी का मजा। चेला चुपचाप गुरु के पीछे चलता गया। आज भी नगर के लोग अक्सर इस घटना को याद करके गाया करते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंडरस्टैंड, ये है इसकी स्टोरी। कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मार्क करना है, विश्राम, अजीब, क्षण, सन्नाटा, घोर, विपत्ति, संयोग। ठीक, उसके बाद वाले पे आओ। मौखिक का आंसर मैंने लिखाया है, पिताजी रोज कहाँ जाया करते थे, पिताजी रोज दरबार जाया करते थे। गुरुजी अपने चेलों को लेकर कहाँ और क्यों जा रहे थे, गुरुजी अपने चेलों को लेकर हिमालय की ओर जा रहे थे तपस्या करने। चेले की बात सुनकर सब हैरान क्यों गए, इसलिए हैरान हो गए कि कहीं कुछ खुला ही नहीं है, सब बंद है, दिन में कभी कोई बंद रहता है। सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ा, सबसे पहले फांसी पर राजा चढ़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। लड़की को रोज कौन कहानी सुनाता था, कौन सुनाता था, माँ जी। लड़की किसकी कहानी सुनना चाहती थी, किसकी सुनना चाहती थी, राजा की। अच्छा, नगर के राजा ने किसे फांसी की सजा सुनाई,
चोर को। राजा के सैनिक गली गली में किसकी खोज करने लगे? मोटे आदमी की। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे लिखित और दूसरा पेज डिस्कस करें। ठीक, अंडरस्टैंड? ये कहानी समझ में आए? मजेदार भी है और सीख भी मिलती है कि अगर कोई कहीं मूर्ख व्यक्ति रह हो तो वहां नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसको तुम नहीं समझा सकते। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आज यहीं पे मेरी टीचिंग ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।